पश्चिम बंगाल एमएसएमई विभाग के सहयोग से साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा दो कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें एमएसएमई तथा ई पोर्टल जेम उद्योगों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इसके अलावा सेल वेंडर रजिस्ट्रेशन भी किया गया। कैंप के जरिए 22 संस्थाओं ने अपने संस्था का पंजीकरण करवाया। इस मौके पर शिल्पांचल के विशिष्ट व्यवसायी जगदीश बागड़ी, सपन चौधरी, मुकेश तोदी आदि मौजूद थे। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए जगदीश बागड़ी ने क्या कहा, सुने। फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार का एमएसएमई विभाग के साथ में दो कैंप किया गया। एक एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंप और दूसरा जेम पोर्टल जो है गवर्नमेंट का, उसका रजिस्ट्रेशन कैंप था। इसके साथ ही सेल का जो हम लोग का साप्ताहिक सेल आपके द्वार वाला प्रोग्राम होता है, उसमें सेल का वेंडर रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी प्रोग्राम था। एमएसएमई डिपार्टमेंट से मैनेजर डीआईसी प्रदीप तोपाल, आईडीओ डीआईसी मलय दास और आईडीओ डीआईसी सौरभ विश्वास आए थे। उन्होंने करीब हमारे यहाँ 28 लोग आए थे ये पंजीकरण कराने के लिए, उसमें से करीब 22 का पंजीकरण हुआ है और कुछ एक का पुराना पंजीकरण में कुछ करेक्शन करना था, वो काम हुआ है। कुछ लोग हैं जो जानकारी लेकर आए थे, फिर से आएंगे किस तरह से, क्योंकि आज के अभी जो एमएसएमई का ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है, उसके उसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही सहज है। और उसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जैसे बंगश्री का जो इंसेंटिव स्कीम है, पश्चिम बंगाल सरकार का टेक्सटाइल इंसेंटिव स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है, उसके बाद में एक तो कोलेटरल फ्री बैंक लोन का व्यवस्था है 2 करोड़ का, वो एमएसएमई में उद्यम रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही मिलता है। वो सेल की तरफ से पूर्णिमा कुमारी, चंदन कुमार और पीके प्रसाद आए थे। व्यवसायी सपन चौधरी ने बताया कि जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आज के दिन में हिंदुस्तान में हमारा जो सरकार है, उस सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कोई भी परचेज, किसी भी संस्था का परचेज हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो म्यूनिसपैलिटी हो या पंचायत हो, हर जगह कोई भी जब कैपिटल गुड्स परचेज करने का नौबत आएगा, तब ये ऐसे सिर्फ एक कोटेशन लेके ऑर्डर देने का ये जो सिस्टम है, ये बंद हो गया है। अभी भी चल रहा, थोड़ा थोड़ा किसी की जगह में तो इंप्लीमेंट प्रॉपरली हुआ नहीं है, पर जेम के द्वारा सरकार ये चाहती है कि हर कोई थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहे। जेम के द्वारा उसमें आपको ये ओपन टेंडर होता है, जो हिंदुस्तान या दुनिया के किसी कोने में कोई भी संस्था चाहे तो कोई भी टेंडर के लिए अप्लाई कर सकता है, और उसमें प्राइस बिड सबमिट करना पड़ता है, उसमें L1 जो होते हैं उन्हीं को ऑर्डर मिलता है, और होने के बाद इसमें आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। थियोरेटिकली बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली अभी तक थोड़ा बाकी इंप्लीमेंट करने में। उसमें क्या है कि वो जेम के साइट में ही आप अपना इनवॉइस अपलोड करिए और ऑनलाइन आपका पेमेंट आपका द्वार पहुंच जाएगा। ये हमारे आसनसोल के जितने व्यवसायी हैं उनके लिए हरदम चैम्बर के द्वारा कुछ ना कुछ कैंप लगाया जाता है। उसमें आज उद्यम रजिस्ट्रेशन का कैंप था, जिसमें आज काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, और हमारे चैम्बर के भी काफ़ी मेंबर आज इन्वॉल्व थे, और ख़ास करके उसमें कनक धारा जो हमारी लेडीज़ विंग है उसका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। उसमें से भी काफ़ी महिलाएं, आज वुमेन्स चैम्बर जो है हमारा, उसकी महिलाएं सब यहाँ पर उपस्थित हुई थी, उनके मेंबर भी उपस्थित हुए थे, और आज काफ़ी बेनिफिटेड हुआ ये उद्यम का रजिस्ट्रेशन। हम लोग को काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलेगा आगे जा करके, हमारे जितने व्यवसायी है सभी को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि गुरुवार की दोपहर निरसा थाना अंतर्गत बाजार मोड़ के समीप मुख्य मार्ग पर एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए छिनतई कर दो अज्ञात लुटेरे फरार हो गए। दरअसल निरसा थाना अंतर्गत श्यामपुर भुया टोला के रहने वाले डब्लू महतो बैंक ऑफ बड़ौदा की निरसा शाखा पैसे निकालने के लिए पहुंचे और 4 लाख रुपए बैग में भरकर घर की ओर रवाना हुए। निरसा चौक के मुख्य मार्ग पर पहुंचते ही पहले से घात लगाकर बाइक पे बैठे दो अज्ञात अपराधी डब्लू महतो के पास पहुंचते हैं और उनसे पैसों से भरा बैग छीनकर चलते बनते हैं। छिनताई के तुरंत बाद डब्लू महतो ने काफी शोर मचाया, जिससे वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन तब तक दोनों अपराधी फरार हो चुके थे। डब्लू महतो ने घटना की जानकारी निरसा थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। कहाँ से कितना पैसा लेके आ रहे थे? कौन मोटरसाइकिल का, कितना लोग का, कुछ पहचान में? दो आदमी था, जानता है। मोटरसाइकिल ना, मोटरसाइकिल काला रंग,
कहाँ के निवासी हैं आप? शामपुर भुयाली। क्या क्या हुआ? फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के द्वारा गुरुवार को एक बार फिर भगत सिंह मोड़ से बीएनआर तक पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर माइकिंग की गई। माइकिंग के जरिए दुकानदारों को जानकारी दी गई कि आज रात तक वे लोग अपना सामान, अपना दुकान हटा ले, पीडब्ल्यूडी की जमीन को खाली कर दे, अन्यथा शुक्रवार को नगर निगम के द्वारा सभी दुकानों को तोड़ दिया जाएगा। इस माइकिंग के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। उनका कहना है कि एक सप्ताह पहले उन लोगों को नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया था कि 3 दिन के अंदर जमीन खाली कर दे। हालांकि उन लोगों ने जमीन खाली नहीं की, क्योंकि वे लोग यहां कई वर्षों से दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अब अचानक वे लोग कहां जाए? बोलते कि पीडब्ल्यू का जितना जगह है सब इधर तोड़ेगा, वही अनाउंसमेंट कर हम लोग को नोटिस दे के गया है कि एक हफ्ता में आप लोग खाली कर लीजिए सब जगह, जितना पीडब्ल्यू का जगह पूरा सब तोड़ेगा। तो आप तोड़ देगा तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए? हम लोग तो यहाँ पे आज से नहीं है ना। इससे पहले भी आप लोग को नोटिस दिया गया था? इससे पहले नोटिस दिया गया था एक हफ्ता आगे कि 3 दिन में तोड़ेगा, और अभी अनाउंसमेंट किया है कि आज रात तक सब हटा दें, कल तोड़ देगा सर। आपका दुकान कब से है? मेरा दुकान तो यहाँ पे मोटा मोटी 4-5 साल से है यहाँ पे। नहीं नहीं, ये दुकान तो 25 साल, ये 25 साल से आपका ये दुकान है, हम लोग अभी स्टार्ट किए, 5 साल हो गया। आज रात पर्यंत सबाई सरल, कल के ना हले भेंगे दिवे सकाल बेला। दुकान बोला अपना दुकान किसे आते हैं? होटल आते हैं ऐसे, हमारा निजे दुकान आते हैं। अपना होटल कोतो दिन ठीक है जी? भाई हमारा होटल मोटा मोटी आज 23 बच्चे रहे 23 यार आगे नोटिस है सर ना, ये प्रथम अपना नोटिस है? ये प्रथम। अपना नाम बोले से? नाम भी नहीं ना, नोटिस जो दी छिलो ओर मध्ये 3 दिन छिलो टाइम, तो আমাকে দিল নোটিস, হেকে দিল নোটিস, কিন্তু আমাদের কার্ড ফার্ড জমা নেই, কিন্তু শুনলাম পরে কি ওই লাইনটাতে ওদের আধার কার্ড জমা নিয়েছে, কী কী জমা নিয়েছে, ঠিক আছে, আমাদের কিন্তু নেইনি। তো আমরা বললাম ঠিক আছে, যখন বলবেন আমরা তুলে নেব, তারপরে আপনাদের যখন কাজ হয়ে যাবে তাহলে আমরা বসতে পারবো, বললো হ্যাঁ বসতে পারবো। এখন যে বলে যাচ্ছে কি 11 তারিখ ছোটতে করে বলে গেল কি আমাদের কর্পোরেশন থেকে বলেছে পুরো এরিয়াটা ভাঙবে, রাত্রেবেলা তোমরা খালি করে। আমার এমডি সেলিম,